हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एक नए यूजर को रजिस्टर करने का जो एपीआई है वो अपने हैक स्लैक प्रोजेक्ट के लिए आपको कैसे बनाना है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने बैकएंड वाले कोड में जाएंगे, फ्रंट एंड वाले में नहीं। और यहाँ पर जो आपने फाइल बनाया था अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, राउट्स वाले फोल्डर के अंदर यूजर डॉट जेएस, उसमें आपको आना है। और बाकी जो सारे फाइल्स है उन्हें हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो एक नया राउट बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया, ये लिया, कॉपी किया यहाँ पर और मैंने एक नया राउट बनाया। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो है रजिस्टर न्यू यूजर, या हम लोग लिखते हैं सिर्फ रजिस्टर यूजर एपीआई राउट, ये मैंने लिखा। तो ये जो राउट का डिस्क्रिप्शन है, इसका मेथड किस तरह का होगा, यानी कि किस तरह के एचटीटीपी मेथड से आप डेटा भेजने वाले, तो मैंने कहा पोस्ट। एक्सेस किस तरह का होगा, पब्लिक होगा, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। यूआरएल में क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा एपीआई यूजर रजिस्टर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रजिस्टर लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन जो हम लोग यहाँ क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये वाला पोर्शन जो मैंने वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स के तौर पे इंडेक्स डॉट जेएस मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया है। तो इस फाइल के राउट्स को एक्सेस करने के लिए आपको ये लिखना होगा और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ से जो राउट है वो आपको लिखना होगा और फिर आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट और एक कॉमा लगा लीजिएगा। और इसके अंदर जो वैलिडेशन वाला कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा चेक। सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे वो हम लोग यूजर नेम पर करेंगे। यहाँ पर जो आप ये लिख रहे हैं, की का नाम आप लिख रहा है, ये वही रखना है जो कि आपने फ्रंट एंड में अपने फॉर्म में रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरा फ्रंट एंड का कोड है रिएक्ट जेएस वाला, और मैं अगर जाऊँ यहाँ पे सोर्स में, यहाँ पे कंपोनेंट्स में, यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर पर जाऊँगा, रजिस्टर व्यू पर जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूजर नेम रखा है। तो जो आप यहाँ पे रखेंगे वही आपको रखना है यहाँ पर। तो हम लोग अपने कोड में चलते हैं बैकएंड वाले में। यहाँ पर मैंने यूजर नेम रखा और मैंने कहा नॉट इज एम्प्टी, मतलब जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और अगर ये एम्प्टी होगा तो क्या होगा, एरर आएगा। और एरर आने पर क्या, वो एरर हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे। और मैंने कहा कि अगर एरर आए तो आउटपुट में जो मैसेज आए वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर जो एक मैसेज लिखेंगे, अगर जो है यूजर नेम कोई प्रोवाइड नहीं करता तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, या हम लोग लिखेंगे प्लीज एंटर योर यूजर नेम, ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। जो दूसरा रूल हम लोग को लिखना है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, एंटर दबाया, पेस्ट कर दिया। फिर मैंने कहा यूजर नेम हो गया, तो अब हम लोग चेक करते हैं क्या पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है। तो मैंने आप लिखा पासवर्ड और मैंने कहा प्लीज एंटर योर पासवर्ड। फिर हम लोग यहाँ पे जो इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे पासवर्ड वन के लिए हम लोग लिखेंगे जो रीटाइप वाला पासवर्ड था, प्लीज एंटर योर रीटाइप पासवर्ड, ये मैं हम लोग कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल के लिए चेक करेंगे। तो आपको ये लिखना होगा और आपको यहाँ पे ये लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा ईमेल और यहाँ पे आपको लिखना होगा जो ईमेल वाला है वो आपको लिखना होगा। हम लिखेंगे इज ईमेल, क्या ये ईमेल है, और अगर नहीं है तो एरर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे वही सेम विद मैसेज और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग कर लेते कॉपी यहाँ पर और हम लोग इसे करेंगे पेस्ट। और हम लोग लिखेंगे प्लीज एंटर योर वैलिड ईमेल, ये लिख देंगे। तो ये जो हम लोग कुछ वैलिडेशन के जो मैसेज थे वो बन गए, तो यहाँ से वो चेक हो जाएगा। और ईमेल में हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होता है नॉर्मलाइज ईमेल, आपको इसे कॉल करना है। और यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि ये जो है यहाँ पर इसके साथ आपको एक चीज़ और लिखना होगा, और वो ये है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा ट्रिम। ये क्या करता है, जो वाइट स्पेस होता है आपके वैल्यू के लेफ्ट और राइट में, उसे रिमूव करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्केप, यहाँ पे ये स्केप करके है एक फंक्शन, इसे आपको कॉल करना है। ये क्या करता है कि अगर कोई भी स्केप कैरेक्टर कुछ दिया गया होगा तो उसे हटा देगा, ये जो आपके इनपुट फील्ड में होगा।
और ये जो चीज़ है ट्रिम स्केप वाला, ये आपको हर जगह डालना है, इसमें भी आप डाल देंगे, इसमें भी आप डाल देंगे, ईमेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो डाल दीजिएगा। फ्रंट एंड को हम लोग देखते हैं एक बार, यूज़र नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, रीटाइप वाला हो गया, तो ये सारी चीज़ें रजिस्टर के लिए होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो एरर्स आई हैं उन्हें आपको चेक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, एंटर दबाते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले बनाना होगा कॉन्स्ट। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर कहा एरर्स, ये इक्वल टू लगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा वैलिडेशन रिजल्ट, और इसके अंदर आपको जो रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो आपको पास कर देना है। सेमी कॉलन यहाँ पे लगा दीजिएगा, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चेक वैलिडेशन एरर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरर्स डॉट इज एम्प्टी। क्या एरर जो है इज एम्प्टी है, और यहाँ पे आपको नॉट वाला ऑपरेटर आपको लगा देना है। अगर एरर्स जो है एम्प्टी होगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगा, ट्रू वैल्यू पे नॉट लगेगा, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर इसमें कुछ वैल्यू होगा तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर जो काम हमें करना है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो एरर आता है सबसे पहले वो कैसा दिखता है वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग लेंगे, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट ये, और यहाँ पर मैंने कहा कि कॉमा लगाया, एंटर किया, मैंने कहा एरर, ये जो भी एरर्स है वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, और यहाँ पर देंगे एरर कोड 400। और जो हम लोग जरा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हम लोग अपना बैकएंड वाला सर्वर मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है, नोड मोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। पोस्टमैन मेरा पहले से ही ओपन है, उसको मुझे जाना है। यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, ये लाइन मैंने कॉपी किया, नया टैब ओपन करिए, पेस्ट करिए, मेथड सेलेक्ट करिए जो कि है पोस्ट, और कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिलहाल पास नहीं करते, तो ये मैंने सेंड पे क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर नहीं लिखा था। अब यहाँ पे सेंड पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है। क्या है कि कह रहा है कि रजिस्टर पे जो है ये पहुँच नहीं पा रहा। तो जब हम लोग अपना कोड देखते कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अपने कोड में, ये मेरा ये कोड है, यहाँ पे मैंने लिखा रजिस्टर, यहाँ पे आपको जो है पोस्ट लिखना था, मैंने गेट लिख दिया, इसको पोस्ट कर लीजिएगा, और वापस चलते हम लोग सेंड पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए आ गया। अब ये देखिए एरर यहाँ पे आ गया। ये जो एरर जो आता है वो इस फॉर्म में आता है, आपके पास एक एरे होता है, एरे में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो है आपका जो पैरामीटर है जिसपे एरर आया उसका नाम होता है, क्या एरर आया वो होता है, और लोकेशन जो बॉडी होता है। लेकिन मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, जहां पे यहाँ पे जो है क्या रहेगा, पैरामीटर का नाम रहेगा। जैसे कि यूजर नेम है तो यूजर नेम लिखा होगा, इस यूजर नेम पे क्या एरर आया वो मैसेज यहाँ पे आ जाना चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम लोग अपने कोड में चलेंगे और इसका जो फॉर्मेट है वो हम लोग बदलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले कट कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक नया वेरिएबल बना, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा एरर, इक्वल टू ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, मैंने कहा इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरर्स, आपको लिखना एरर्स डॉट इज एरे, या एरे आपका था यहाँ पे, इसमें आपको करना है ये एरे के फॉर्म में आ जाएगा, डॉट लगाना है, और आपको लिखना है लेंथ ये, और फिर आपको लगाना है सेमी कॉलन, फिर आपको लगाना है इंडेक्स प्लस प्लस ये आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुराना वाला जो एरर वाला वेरिएबल है वो लिखेंगे, जो कि ये है। इसमें हम लोग अभी तक इसके अंदर जो भी डेटा है उसे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर को लिख कर जो कॉपी कर देंगे, तो ये मैंने कॉपी कर दिया। कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे नया जो की है वो बनाएंगे, की जो है आपके इस वाले डेटा के अंदर से आएगा, तो उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसी लाइन को यहाँ से उठा के करते हैं कॉपी, ये मैंने पेस्ट किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इंडेक्स इसमें लिखा, और मैंने कहा डॉट एम एस जी, मैसेज ने लिखना आपको लिखना था पैराम, आप यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ यही आपको यहाँ पे डाल देना है। ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, पर यही आपको लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कॉलन लगाना है, फिर आपको जो मैसेज है वो आपको लिखना है। तो ये मैंने किया पेस्ट, यहाँ पे आपको लिखना होगा एम एस जी, और इसे सेव कर लीजिएगा, यह मैंने सेव कर लिया। उसके बाद जो आपने यहाँ पे लिखा था, जो हम लोगों ने एरर दिखाने के लिए जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 400, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टेटस जो है फॉल्स लिख देंगे, और जो ये मैसेज है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉर्म वैलिडेशन
एरर ये लिख देंगे और कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे जो भी एरर आया है वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा जो एरर है वो पास कर दो, ये हो गया, और सेव कर लीजिएगा, वापस चलिएगा पोस्टमैन में और यहाँ पे जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका एरर इस फॉर्म में आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज को पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम को मैंने पास कर दिया, यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ यूजर नेम, मैंने अपना नाम दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ईमेल दे दिया, मैंने कहा ये, यहाँ पे फिर मैं देता हूँ पासवर्ड, जो रीटाइप वाला पासवर्ड है वो मैं नहीं दूंगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंड पर तो ये देखिए कहेगा रीटाइप वाला पासवर्ड दीजिए, तो मैंने यहाँ पे कहा पासवर्ड 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आ गया, यानी कि बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो मेरा कोड है इसमें ये सबसे पहला वैलिडेशन एरर वाला हो गया, अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड चेक वाला भी एरर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेक पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड 1, यानी कि जो पासवर्ड है वो क्या रीटाइप पासवर्ड के बराबर है, अगर नहीं है तो एरर भेजना है, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर जो रिक्वेस्ट डॉट आपको लिखना होगा डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड अगर बराबर नहीं होता है रीटाइप पासवर्ड के, तो मैंने ये क्या यहाँ पेस्ट कर दिया 1 कर दिया, तो जो है आपको यहाँ पे भेजना है ये, और इसमें एरर पे जो आप क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे पासवर्ड 1, और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे कि रीटाइप पासवर्ड इज नॉट सेम एज पासवर्ड फुल स्टॉप, ये आपको लिख देना है, और हम लोग यहाँ पे वही फॉर्म वैलिडेशन एरर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, और जो ये मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जरा दोबारा से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो सब कुछ सही आ रहा है, यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज कर देते हैं, रन करते हैं तो ये देखिए रीटाइप पासवर्ड जो है आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही तरीके से अब आने लगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो मैं स्टेटस कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि ये 400 है 200 है, आप इसको गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, जैसे गूगल पर जाइए और यहाँ पर लिखिए फॉर्म वैलिडेशन, ये इस तरीके से आपको इस तरीके से लिखना है फॉर्म वैलिडेशन एरर स्टेटस कोड, आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये कह रहा है कि जो होता है वो आपका 400 होता है, तो यही 400 मैं लिख रहा हूँ तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे एप्लीकेशन में जहाँ पे भी एरर हो 400 दिखा के काम चला सकते हैं, ऐसा बहुत से लोग करते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रहे, अगर सब कुछ सही है तो 200 रहेगा, बाकी में 400 रहेगा, और ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो यूज़र ईमेल प्रोवाइड कराएगा उससे मैं चेक करूँगा क्या वो ईमेल डेटाबेस में ऑलरेडी तो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो मुझे यूज़र को फिर जो रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उससे फिर आप उससे एक नई आईडी कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, और ये वही वाला है जो ये मॉडल है जो कि आपने बनाया था, ऊपर की तरफ देखिएगा ये मॉडल है उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जरा कमेंट में भी लिख देता हूँ चेक इफ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आपको करना है। तो मैंने कहा यूजर डॉट फाइंड 1, मैंने ये कहा, और यहाँ पे क्या चीज़ सर्च करना है, मैंने कहा ईमेल सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो ईमेल है वो लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ये लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डॉट देन वाला फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा यूज़र, ये एंटर दबाना है, डॉट कैच लगाएंगे, अगर कोई भी एरर आता है डेटाबेस जुड़ा तो वो हम लोग को यहाँ पे कैच वाले में मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन एंटर दबाना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे क्या यूज़र है, अगर यूज़र मान लीजिए इसका ईमेल जो मिल जाता है और उसमें कोई भी डेटा मौजूद रहता है तो इसमें ट्रू वैल्यू होगा, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, असल में इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो ट्रू नहीं होगा, दरअसल उस यूज़र का पूरा डेटा होगा जिसका ईमेल मैच करेगा, तो यहाँ पे अगर कोई डेटा होगा तो यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं होगा तो यहाँ फॉल्स होगा, ये वाला नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर होगा तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैंने कहा यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे राइट जो है CTRL A फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा जिस फॉर्मेटिंग से हो जाएगी, और वही स्टेटस कोड मैं फिर से यहाँ पे 400 डाल दूंगा, और मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा
यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है ये मैं मैसेज लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के वही सेम एरर वाला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं इसमें कहूंगा कि एरर कहाँ पे आया, ईमेल पे आया है, और ईमेल पे क्या एरर आया, जो ईमेल है वो अब लिखेंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लिखेंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे यहाँ पे और ये मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है चलते हैं और यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं। मैंने कहा कि इफ यूजर एग्जिस्ट, यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये हो गया। और अगर ये नहीं होता, मतलब जो है यूज़र नहीं होता, तो आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। आगे के कोड में हमने क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को जो है हैशिंग करेंगे, तो वो भी मैं इसी वीडियो में कर लेता हूँ। मैंने कहा कि ये, और मैंने कहा हैश्ड पासवर्ड, ये मुझे लिखना होगा, इक्वल टू लगाना है आपको। और यहाँ पर इससे पहले आपको एक और चीज़ बनाना होगा जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट, ये बनाना होगा इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे अब bcrypt.gen salt आपको लिखना है, generate salt sync, ये जो होता है एक रैंडम स्ट्रिंग होता है एक तरीके से, और इसके जो है हम लोग ये हैशिंग का काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे bcrypt आपको लिखना होगा ये, और डॉट लगा के आपको लिखना होगा हैश sync, ये आपको लिखना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा जो पासवर्ड है request.body.password, वो आपको प्रोवाइड कराना है, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो सॉल्ट वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड करा देना है। तो पासवर्ड का जो हैशिंग है वो भी मैंने कर लिया, यूज़र को जो चेक करना था वो भी मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, और मैंने कहा पासवर्ड हैशिंग, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। और अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो यहाँ पर जो हम लोग ये सक्सेस वाला दिखा देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो पासवर्ड हैश हुआ है वो भी हम लोग आउटपुट में अभी के लिए दिखा देते हैं, जिससे हम लोग बाद में बदल देंगे। तो मैंने कहा हैश्ड पासवर्ड, सेव कर लीजिएगा, वापस चलेंगे हम लोग अपने इसके अंदर पोस्टमैन में, और यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे इसे ठीक करते हैं 456, और यहाँ पर चलते हैं, और ये देखिए डिफॉल्ट जो है ये आ रहा है, ये जो यहाँ ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है अपने कोड में जाना होगा। अपने कोड में हम लोग जाके यहाँ पर लिखेंगे else वाला ब्लॉक लगाइएगा, ये जो आप यूजर का ईमेल ढूंढ रहे थे वहां पे आपको else वाला ब्लॉक लगा के इस चीज को कट करके यहाँ पे डाल देना है, ये CTRL A दबाइए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये स्पेस गायब कर देते हैं, और जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कैच वाले में आते हैं, यहाँ पर भी आपको ये करना है, इसे कॉपी करिए, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटाबेस एरर, डेटाबेस एरर है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरर, किस तरह का एरर है, हमने कहा डीबी एरर है। मैसेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया सम एरर इन डेटाबेस, स्टेटस कोड आपको यहाँ पे 200 नहीं भेजना है, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, यहाँ पर जो स्टेटस कोड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए डेटाबेस एरर स्टेटस कोड, ये आपको मिल जाएगा स्टेटस कोड ये। तो इसके लिए हम लोग जो है 502 का यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 502, तो ये मैंने लिख दिया, तो ये हो गया। अब जो है वापस चलते हैं एक बार अपने पोस्टमैन में, एक बार जो है सेंड पे क्लिक करते हैं, अभी भी यहाँ पे ये आ रहा है, तो उसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इसको जो यहाँ से रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग चलेंगे वापस यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं ये जो है पोस्टमैन बिल्कुल सही चल रहा है। पोस्टमैन में दोबारा से जाएंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए पासवर्ड हैश होके आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। अब ये देख सकते हैं, तो इतना काम जो हो गया, अब जो डेटाबेस में सेव करने का काम है वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इतना काम हम लोग का जो है अभी तक के लिए हो गया। और यहाँ जब आप देखेंगे ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं, आप देख सकते सारी चीज़ें सही चल रही है। तो हम लोग अपने सारे कोड को जो है गिटहब पे पहुंचा देते हैं, जो भी हम लोगों ने चेंजेस किया, यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक मैसेज लिखना होगा। मैंने कहा कि यूज़र रजिस्टर सेटअप मैंने लिखा, और मैंने कहा यहाँ पे ये टिक मार्क पे इस पे करना है, पुल पुश पे जाना है, पुश टू पे क्लिक करना है, गिटहब पे जो है पहुंच जाएगा सारा कोड। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।